भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगा। इन स्थानों पर भगवान शिव साक्षात वास करते हैं। वाराणसी ज्योतिर्लिंगा हिंदू धर्म के वेद पुराणों के अनुसार जहां भगवान शिव खुद प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित भगवान शिव की शिवलिंगों की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव साक्षात रूप में वास करते हैं। भगवान शिव यहाँ कब प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता। इसका अनुमान लगाना भी अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हिंदुओं में ये मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह और शाम के समय शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, उसके साथ चरमों का पाप उन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से कट जाते हैं। शिव के ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 है, जो कि अलग अलग जगहों पर विद्यमान है। सबसे पहला काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर विराजित है। काशी धार्मिक स्थलों में से सबसे ज़्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। काशी की मान्यता है कि संसार में प्रलय आने पर भी भगवान शिव का यह स्थान बना रहेगा। काशी की रक्षा के लिए भोलेनाथ भगवान इस स्थान को अपने प्रिय त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने के बाद काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। नंबर 2 पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का सबसे पहला भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव जी का यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर दिया गए श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान चंद्रदेव ने की थी। नंबर 3 पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैल नामक पर्वत पर है। शिव के इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। नंबर 4 पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि ये भगवान शिव का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर में होने वाली भस्म आरती भारत की नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। नंबर 5 पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। इस स्थान पर शिव का यह ज्योतिर्लिंग है। उस स्थान पर पवित्र नदियां नर्मदा नदी बहती है और उस पहाड़ी के चारों तरफ नदी बहने से यहाँ ओम का आकार भी बन जाता है। नंबर 6 पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह शिवलिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह तीर्थ स्थान भगवान शिव को बेहद प्रिय है। नंबर 7 पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मनगरी नामक का पर्वत है। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वेदनाथ शिवलिंग शिवलिंगों का समस्त शिवलिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वेदनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर बिहार प्रांत के संस्थल प्रगन्ना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। नंबर 10 पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। द्वारिकापुरी में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 11 पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान पर स्थित है। शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। नंबर 12 पर घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह सबसे
आखिरी ज्योतिर्लिंग है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।